So good morning 10th class. Today we are going to start a new book, that is history, and chapter number is second, nationalism in India. This is a part one. Students, मैंने आप लोगों को nationalism के बारे में बहुत कुछ बता रखा है already, और आप लोग भी बहुत अच्छे से 7th 8th 9th sense से ही आपको पढ़ाया जा रहा है कि nationalism क्या है. मैं आप लोगों को बस आज इतना ही बताऊंगा कि nationalism जो है overall, जो कंक्लूजन के फॉर्म में देखा जा सकता है, नेशनलिज्म क्या है? फीलिंग है. नेशनलिज्म क्या है? एक फीलिंग है, थॉट है. किसका? लव और प्राइड का. किसके लिए? अपने देश के लिए. बस में आ रही है ना, क्योंकि यहाँ के जो लोग होते हैं ना, वो एक कॉमन कल्चर, लैंग्वेज, फ्लैग, गवर्नमेंट एक्सेट्रा शेयर करते हैं. बस में, और इन्हीं चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड टू प्रोटेक्ट द प्राइड ऑफ द कंट्री. कंट्री के प्राइड को बताओ ना, कंट्री का प्राइड क्या है? यहाँ के पीपल ही तो हैं, उनका इंटरेस्ट ही तो है, उनका वेलफेयर ही तो है. बस में आ रही है ना, उनका टेक केयर ही तो है. अगर कंट्री के प्राइड पर कोई भी अटैक करेगा, उससे हम सब जो इस इंडिया के लैंड मास पर रहते हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, बस में आ रही है ना, यानी कि मैंने आपको बताया क्या, 8 degree 4 minute to 37 degree 6 minute, 68 degree to 97 degree 25 minute, ये 7 है. अगर इस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट के बीच में कोई भी रहता है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने कंट्री के प्राइड को प्रोटेक्ट करें, कंट्री के प्राइड को प्रोटेक्ट करें. और कंट्री का प्राइड जो है, आपको मैंने बता दिया हमारा क्या है, कल्चर है, लैंग्वेज है, फ्लैग है, गवर्नमेंट है, हमारे पीपल का इंटरेस्ट है, उनका टेक केयर है, हमारे लैंड मास का टेक केयर है. कोई उस पर अटैक नहीं कर सकता आउटसाइडर विदाउट द परमिशन ऑफ इंडियंस. हम पे कोई रूल नहीं कर सकता विदाउट परमिशन ऑफ अस ऑफ आवर. बस मिया रही ना, इसी फीलिंग को ना हम नेशनलिज्म कहते हैं. जिस दिन हमारे कंट्री के लिए फीलिंग्स जो हैं प्रोटेक्ट करने के लिए निकलती हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, नेशनलिज्म. बस मिया रही है, इसीलिए जब भी कंट्री के प्राइड पर किसी ने अटैक किया है, पूरे कंट्री के लोगों ने मिलकर स्ट्रगल किया है. दे स्ट्रगल टूगेदर, सब मिलकर के स्ट्रगल करेंगे ताकि हमारी कंट्री की प्राइड प्रोटेक्ट हो सके. दैट इज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, दैट इज नेशनलिज्म. बस में आ रही है ना, तो आखिर बात ये क्यों ना, हम ये चैप्टर पढ़ने क्यों जा रहे हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया. अगर मैंने चैप्टर का नाम आपके बुक में दिया हुआ है, इसका मतलब ये क्लियर सी बात है कि इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं थी, कंट्री का लव और प्राइड प्रोटेक्ट करने की फीलिंग नहीं थी. इसका मतलब पता है, हमारी कंट्री में ना बहुत सारे मोनार्की सिस्टम्स एग्जिस्ट करते थे, बहुत सारे रूलर्स एग्जिस्ट करते थे. इस कंट्री को लोग एक इंडिया मानते ही नहीं थे, सब अपने अपने स्टेट्स को समझते थे, जैसे कि जूनागढ़, जैसे कि चित्तौड़, जैसे कि हैदराबाद, मुगल, बस में आ रही ना. तो इस तरीके से उनकी अपनी 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 डायनेस्टीज थी, वो अपने अपने स्टेट्स को केवल प्रोटेक्ट करते थे, और इसी का तो प्रॉफिट लेकर के ब्रिटिशर्स ने हम पर रूल किया. यानी कि हमारी कंट्री में नेशनलिज्म नहीं थी. अब ये नेशनलिज्म आई कैसे, उसी चैप्टर को, उसी टॉपिक को हम डिस्कशन इस चैप्टर में करेंगे. बस में यार, कैसे वो नेशनलिज्म हमारी कंट्री में आई, हमारी कंट्री के लोगों के अंदर आई, लोग को कैसे फील हुआ कि हम नहीं, ये कंट्री किसी एक स्टेट का नहीं, किसी एक रूलर का नहीं, बल्कि कंट्री एक इंडिया की बात है. ये कंट्री कोई एक स्टेट नहीं, बल्कि हमारी कंट्री क्या है, एक इंडिया है. नॉट जूनागढ़, नॉट मुगल्स, नॉट चित्तौड़, नॉट मराठा, नॉट मैसूर. बस में आ रही है ना, तो नेशनलिज्म की फीलिंग जो होती है ना, हमारी एक कंट्री होती है, अ कंट्री, उसके अपने पर्टिकुलर कल्चर, लैंग्वेज, फ्लैग, गवर्नमेंट सिस्टम्स होती हैं, उसमें बिलीव करने के फीलिंग्स को ही क्या कहते हैं, नेशनलिज्म. तो हमारी कंट्री जो थी ना, आर कंट्री इंडिया, वॉज ए कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट.
हमारी कंट्री जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उनकी कॉलोनी हम थे, यानी कि उन्होंने हमें स्लेव बना रखा था। आपको पता ही है कि आपको ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे लिए बेनिफिशियल थी या हार्मफुल थी, उसने हमारा एक्सप्लॉइट किया या हमें प्रॉफिट प्रोवाइड किया, ये तो बताने वाली तो बात है ही नहीं, बस में आ रही है ना। तो हम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया और इसीलिए इस कंट्री में नेशनलिज्म की फीलिंग एमर्ज हुई। तो इन्हीं ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंसी लेने के लिए लोगों ने अपने बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ एंड प्रॉपर्टी यानी कि जान और माल का नुकसान किया। बस मियाँ रही है ना, सब एक साथ लड़े और तब जा करके 15 अगस्त 1947 को हम क्या हुए, इंडिपेंडेंट हुए। अराउंड 300 ईयर्स से यह लोग रूल कर रहे थे हमारे ऊपर। बस मियाँ रही, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन अराउंड 300 ईयर्स से हमारे ऊपर वो रूल कर रहे थे। तो इस बुक में हम डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस इन दिस बुक अबाउट द मेनी लाइव्स एंड इवेंट हैपन फॉर गेटिंग इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस पाने के लिए, ये नेशनलिज्म की फीलिंग्स इमर्ज कराने के लिए जितने इवेंट्स और लाइव्स जो भी हैपन्ड हुई या जितने भी लोगों के लाइफ्स इम्पोर्टेंट हैं, उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, स्पेशली आफ्टर 1950 और 1915 के बाद की चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम, उससे पहले की चीज़ों को नहीं। काफ़ी लेंदी हो जाता है इंटरनेशनल मूवमेंट, इसलिए आपको शॉर्ट करने के लिए भी हमने खाली इंडियन को कब से पढ़ेंगे हम, 1915 के बाद से। स्पेशली आप बोलोगे सर 1915 के बाद से ही क्यों, क्योंकि 1950 के बाद इंडिया में महात्मा गांधी आए, इससे पहले वो साउथ अफ्रीका में थे और वहाँ पर नेशनलिज्म की फीलिंग एमर्ज करने के बाद, वहाँ पर लोगों को नेशनलिज्म की फीलिंग एमर्ज कराने के बाद वहाँ के लोगों को लड़ना सिखाया और फिर हमारी कंट्री में वो आए और तब जाकर यहाँ पर नेशनल मूवमेंट बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टार्ट होता है, बहुत ही यूनाइटेड वे में स्टार्ट होता है। बस में आ रही है ना, तो 1915 कहने का मतलब यह है कि 1915 कहने का मतलब यह है कि महात्मा गांधी के आने के बाद क्या हम नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे, कि महात्मा गांधी के आने के बाद नेशनल मूवमेंट में क्या चेंजेज आए, और बहुत बड़ी चेंजेज आई थी। इससे पहले काफ़ी सालों से लड़ी जा रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, बट उतना सक्सेस नहीं मिल पाया जितना कि महात्मा गांधी के आने के बाद मिला। इसलिए तो हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंट कराने में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो महात्मा गांधी का है, इसलिए उन्हें हम सारे नेशनल फादर कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं। अरे समझ में ना, तो महात्मा गांधी जब 1915 में आए ना, एक्चुअली में इस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। क्या चल रहा था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन लोग इन्वॉल्व थे पता है ना, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था किन लोगों के बीच में, ये जो इंग्लैंड था, बस मियाँ रहे ना, इंग्लैंड था और बाकी और कंट्रीज थी जैसे जी जर्मनी था, इन लोगों के बीच में हो रहा था। अब इनके साथ जो फ्रेंड्स थे, ये सारी कंट्री सुपर पावर थी, तो पूरे जिनको कॉलोनी बना रखा था उन सबकी लाइफ अफेक्ट होना मस्ट था भाई। जब रूलर ही वॉर में इन्वॉल्व है तो ऑब्वियसली उसके जो कॉलोनीज हैं, उसके जो स्लेव्स हैं, वो तो लड़ेंगे, उनकी लाइफ से इफेक्ट होगी ना। तो ब्रिटिश के जो हम ऑब्वियसली ब्रिटिश के हम क्या थे, कॉलोनी थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जब खुद ही वॉर में इन्वॉल्व थी तो ऑब्वियसली बात है इंडियंस की लाइफ को अफेक्ट करते ही करते। तो इंडिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इफेक्ट पड़ा, और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ही गांधी जी का इमर्जेंस हमारी कंट्री में होता है, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि इंडिया की सिचुएशन इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में कैसी थी, और जब महात्मा गांधी आए तो क्या कैसे चीज़ें शुरू हुई इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। बस मेरी, तो हमने आज डिस्कस किया नेशनलिज्म के बारे में, और उसके बाद हमने डिस्कशन किया कि इंडिया में जो महात्मा गांधी आए तो उनके पास कैसे हमारी फ्रीडम फाइट्स जो थी वो ऑर्गेनाइज फॉर्म ले ली। अरे सुनिए, तो हम नेक्स्ट क्लास में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में इंडिया की सिचुएशन पढ़ेंगे और देन महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट की गई जितने भी इवेंट्स थी उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। बस मियाँ,
थैंक यू एंड नमस्ते।